हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना विजय बंसल लेकर आया हूँ वोकैब सेशन टू। जैसा कि आपने वोकैब सेशन वन देखा और आपने उसको बहुत प्यार सम्मान रिस्पेक्ट दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चों। दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके अंदर हमने 10 इडियम्स हमने यूज की है, और पहले मैं ये जो 5 इडियम्स आपके सामने हैं इनके आपको आंसर बताऊंगा, उसके बाद इन्हीं 5 के ऊपर एक क्विज होगी। ठीक है, तो पहले बड़े ध्यान से इनको देखेंगे, जहां लिंक बन सकते हैं वहां लिंक भी बनाएंगे। तो पहली जो इडियम है आपके पास, दैट इज टू गिव या फिर गेट द वर्ड, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या मतलब होगा? जी बड़ी प्यारी इडियम है आपको, इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस एंगर। टू एक्सप्रेस एंगर ये होता है कि आप अपना गुस्सा शो करते हो। कई बार आपने देखा होगा कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जो हमारे हैंड की मिडल फिंगर होती है हम सामने वाले की तरफ उसको करते हैं, तो ये वही इडियम है। इसका मतलब होता है कि आप अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। जो हमारे पास सेकेंड है, दैट इज टू हैव ब्रश विद, क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं? टू हैव ब्रश विद का मतलब होता है किसी मुसीबत में पड़ना, किसी झगड़े में पड़ना, किसी विवाद में पड़ना, किसी का सामना करना। हैव एन एनकाउंटर, हैव एन एनकाउंटर। देखो आप लिंक बना सकते हो, ब्रश, जब हम सुबह ब्रश करते हैं तो हमारा सामना होता है किससे? जर्म्स से। तो इसका आंसर हो जाएगा हैव एन एनकाउंटर। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड प्रेस। हार्ड प्रेस का मतलब होता है इन डिफिकल्टीज, इन डिफिकल्टीज का मतलब मुसीबतों में होना। हार्ड प्रेस, देखिए अगर आपको कोई प्रेस दबाएगा, हार्ड सख्ती से कोई आपको फोर्स करेगा, दबाएगा, तो आप मुसीबत में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फोर्थ इडियम है टू प्ले सेकंड फिडल। फिडल का मतलब होता है बेईमानी। टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब हो जाता है कोई भी सबोर्डिनेट रोल प्ले करना, मतलब आप मेन नहीं होते हैं, आप किसी के सपोर्टिंग हैंड होते हैं। टू प्ले अ सपोर्टिंग रोल। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन इडियम्स को अपने एक रजिस्टर में नोट भी करते रहिएगा। ठीक है जी, और अगर आपको जवाब पता है, किसी भी इडियम का आपको जवाब पता है, तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में भी आप अपना जवाब लिखते रहिएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। देखो लेट स्लीपिंग ये कहना चाह रहा है कि जो सोए हुए कुत्ते हैं ना, उनको सोते ही रहने दीजिएगा। ठीक है ना, अगर वो जाग गए तो बेवजह का क्या होगा? लड़ाई झगड़ा फसाद। इसका मतलब होता है कि कोई भी कोई कंट्रोवर्शियल कोई मुद्दा होता है जो अभी दबा हुआ है, आप वापस से उसको उजागर कर रहे हैं, तो उसी चीज के लिए ये इडियम मना करती है। सो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है टू लीव थिंग्स एज दे आर, यानी कि चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही रहने दीजिएगा, मुद्दों को ना उठाया जाए। तो 5 इडियम्स हमने यहाँ पे जिक्र किया, उनके हमने आंसर्स देखे, उम्मीद करता हूं आपके याद हो गए होंगे। एक बार इनका क्विक रिवीजन करते हैं, आप फटाफट जवाब बताइएगा। टू गिव या गेट द बर्ड क्या मतलब होगा? जी हाँ बताइएगा, बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल जवाब सही है, टू एक्सप्रेस एंगर, गुस्से को एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट है टू हैव ब्रश विद, जी बिल्कुल जवाब सही है, हैव एन एनकाउंटर। थर्ड वन इज हार्ड प्रेस। हार्ड प्रेस का क्या मतलब होगा? जी बिल्कुल सही जवाब है आपको, प्रेस हार्ड करेंगे तो इन डिफिकल्टीज। टू प्ले सेकंड फिडल, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका, टू प्ले अ सपोर्टिंग रोल। जिन बच्चों का जवाब सही नहीं आ रहा वो निराश ना होइएगा, एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही रहने देना, टू लीव थिंग्स एज दे आर। इन 5 के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स हम शुरू कर रहे हैं क्विज, तैयार रहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब बताते रहिएगा। तो पहली इडियम है आपके पास टू गिव या गेट द बर्ड, क्या मतलब होगा इसका? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी आंसर आ गया है आप सभी का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हैव ब्रश विद, जी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जवाब। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, टू हैव अ स्लाइट एनकाउंटर। हार्ड प्रेस,
जी बिल्कुल सही जवाब, इन डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्ले सेकंड फिडल, क्या जवाब होगा? जी, बिल्कुल सही जवाब है टू टेक अ सबॉर्डिनेट रोल। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जी जवाब बिल्कुल सही है कि कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू है उसको उजागर ना करना, उस पचड़े में ना पड़ना। जी जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं कि 5 के 5 आपके जवाब सही होंगे। चलिए 5 इडियम्स और देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट भी आप सभी से कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स जितने भी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का भला हो जाइए। ठीक है, तो चलेगा 6 देखते हैं। टेक हिम टू टास्क, टेक हिम टू टास्क का मतलब होता है रेप्रीमेंड, किसी को सजा देना, डांटना। देखो कैसे, टेक हिम टू टास्क, अगर आप किसी को सजा देना चाहते हो तो उसको टास्क दे दो, कोई कोई भी आप उसको टास्क दे दोगे तो एक प्रकार की वो उसके लिए क्या हो जाएगी, सजा, रेप्रीमेंड। नेक्स्ट है अ लेम एक्सक्यूज, लेम का मतलब होता है लंगड़ा, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। आप अक्सर स्कूल में छुट्टी मारने के टाइम पे टीचर के सामने जरूर बोलते थे कि पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं अ लेम एक्सक्यूज की तो इसका मतलब हो जाएगा फॉल्स एक्सक्यूज, यानी कि आप कोई ऐसा बहाना बनाते हैं जो सामने वाला पहचान जाता है। ठीक है, 5 देखते हैं, इसके बाद फिर क्विज देखेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारा पुल वंस लैग, पुल वंस लैग का मतलब होता है किसी को धोखा देना, बेवकूफ बनाना, डिसीव, किसी को बेवकूफ बनाना। नेक्स्ट है कट टू द क्विक, कट टू द क्विक का मतलब होता है ये आप ना किसी को हर्ट करते हो, हर्ट हर्ट करते हो किसी को भी आप अपने शब्दों से, हर्ट समवन विद वर्ड्स, आप कुछ ऐसे शब्द कहते हो कि सामने वाले को क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। ठीक है, और आज का लास्ट हमारे पास है हाई टाइम, और हाई टाइम से रिलेटेड ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट बनता है, मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके सामने। हाई टाइम का मतलब हो जाएगा एप्रोप्रिएट टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखे हैं आज 10 idioms एंड फ्रेजेस, तो आपके याद हो गए होंगे। एक बार जो मैंने अभी 6, 7, 8, 9, 10 कराया है इसका मैं आपको एक बार क्विज के थ्रू रिवीजन करा देता हूं, तो आप सभी बने रहिएगा और जवाब बताइएगा। सो हमारे पास जो पहला है, द ऑथोरिटीज टुक हिम टू टास्क फॉर दिस नेग्लिजेंस, तो यहां पे जो रेड है टुक हिम टू टास्क, इसका आंसर बताइएगा जी, कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेप्रीमेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेम एक्सक्यूज, जी बताइएगा। जी बिल्कुल जवाब सही है, झूठा बहाना, कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन जो सेटिस्फाई नहीं कर पाती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट नो दैट ही वॉज पुलिंग माई लैग ऑल द टाइम, पुल माई लैग, जी जवाब क्या हो जाएगा? जी किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को धोखा देना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी फूलिंग मी, ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कट टू द क्विक, कट टू द क्विक का आपको आंसर बताना है, जी बताइएगा। कट टू द क्विक, जी हाँ सही जवाब होगा हर्ट इंटेंशनली, जानबूझकर किसी को हर्ट करना। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है हाई टाइम, हाई टाइम का मतलब हो जाएगा एप्रोप्रिएट। जी ये थे हमारे 10 idiom phrases, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा भी इनमें से कोई ना कोई, पूरी पूरी उम्मीद है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था हाई टाइम से रिलेटेड वो ये है, अभी हाल फिलहाल एचटेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया, HSSC का जो सितंबर में एग्जाम हुए थे वहां पे भी यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, एक बार देख लीजिएगा। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर कभी आपको इनमें से कुछ भी नजर आ रहा है तो आप ध्यान देना, इनके बाद जब भी आप यूज करेंगे आपको यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट या पास सिंपल। ठीक है जी, तो
पास्ट इंडेफिनिट के बाद यूज होगा, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में भी देखा है, इट इज हाई टाइम दैट इंडिया डिड, डिड यानी के वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एक प्यारा समय क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा और जवाब बताइएगा। इट इज हाई टाइम वी गो देयर। तो अगर मैं आपसे पूछोगे इसके अंदर एरर क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? जी हां, बिल्कुल सही जवाब आपका है। अगर इट इज हाई टाइम होगा, इट इज टाइम होगा, इट इज अबाउट टाइम होगा, तो हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो गो की जगह हो जाएगा क्या? वेंट। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।